गुड मॉर्निंग माय डियर किड्स. सो आई होप कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई जो है वो किए होंगे और उसको शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको समझाई थी वो भी आपने करने का ट्राई किया होगा. सो हियर दिस इज द एक्सरसाइज व्हाट वी हैव डन प्रीवियसली. ओके सो नाउ हम लोग ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमने सब्ट्रैक्शन में भी वर्ड प्रॉब्लम किए हैं और एडिशन में भी किए हैं, तो अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये जो डायरेक्टली सॉल्व करना है ये हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग नोटबुक यूज नहीं करेंगे. ओके सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11. अ टेबल कॉस्ट रुपीज 400. एक टेबल का कॉस्ट 400 है. हाउ मेनी रुपीज विल 120 सच टेबल कॉस्ट. सबसे पहले तो आप ध्यान रखोगे कि जब एक किसी भी एक चीज का रेट दिया हुआ हो और आपको बहुत सारी चीजों का रेट पूछा हो तो आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई. जैसे कि एक टेबल का रेट दिया हुआ है और आपको 120 टेबल का रेट फाइंड आउट करना है तो आप लोग इन दोनों का क्या करोगे, मल्टीप्लाई. अब ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हो. 12 फोर सा कितना होता है, 48. तो 48 लिखो और पीछे 1, 2, 3, 3 0 लगा दो. सो दिस इज योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अंश हैज 62 नोट्स ऑफ रुपीज 500 ईच. मतलब 500 रुपीज के उसके पास 62 नोट है, तो टोटल हाउ मेनी रुपीज डज ही हैव इन ऑल. टोटल उसके पास कितने रुपीज हुए, 62 नोट है, एक नोट 500 रुपीज का है, मतलब इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई. तो हम लोग क्या करेंगे, 62 मल्टीप्लाई 5. जीरो का मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है. तो अगर हम लोग 62 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं, 5 2 10, 6 5 30 एंड 1 31. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 310 और ये जो 20 है वो हम लोग पीछे ऐड कर देंगे. बेटा जितने भी जीरो वाले मल्टीप्लाई होता है ना उसमें जीरो आप नहीं ऐड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करने के टाइम आप जीरो ऐड नहीं करोगे तो चलेगा, वो आराम से आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, छोटी डिजिट होगी और फिर आप जीरो पीछे ऐड कर दो. बीच वाली जीरो नहीं बोल रही हूं मैं, जो लास्ट में जीरो आते हैं उसकी बात चल रही है. ठीक है, तो 62 × 5 किया हमने, आंसर आया 310 और 310 के अंदर ये दो जीरो हमने ऐड कर दिए. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 300 पीनट्स इन अ बैग. एक बैग में 300 पीनट्स है. हाउ मेनी पीनट्स आर देयर इन 2500 बैग. अगर एक बैग में इतने हैं तो इतने बैग में कितने होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. अब डायरेक्टली करो आप, 25 3 कितने होते हैं, 75. तो यहाँ पे लिख दो 75 और ये 20 ये और 20 ये, 40 ऐड करो, 1 2 3 4. तो आंसर हो जाएगा 7,50,000. तो इस तरीके से जो जीरो वाले मल्टीप्लाई होते हैं इसमें ऐसे शॉर्टकट ट्रिक यूज करके आप लोग इजीली मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो. सो अभी आपको ये 14 15 और 16 जो है वो खुद से करना है. ओके 14 15 16 आपको होमवर्क में डाल रही हूँ मैं. अभी हम लोग ऐसे वाले मल्टीप्लाई सीखते हैं. ये वाले मल्टीप्लाई आप यहाँ पे नहीं करोगे, आप नोटबुक में करोगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं दिया हुआ है. तो ये वाले मल्टीप्लाई आप नोटबुक के अंदर करोगे. ठीक है, तो मैं आपको नोटबुक में मल्टीप्लाई सिखाती हूँ, आप लोग करके आयो, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं. एक्सरसाइज 4.3 मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट, 34 × 56. अब सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं 6 के साथ. 6 × 4 = 24, सो वी विल पुट 4 हियर एंड 2 हियर. सो 6 × 3 = 18, 18 + 2 = 20. अब हम 6 की जगह क्या रख देंगे, 0, क्योंकि 6 के साथ मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया. अब 5 के साथ करेंगे, 5 × 4 = 20, 0 + 2 एज अ कैरी. 5 × 3 = 15, 15 + 2 = 17. इसका मल्टीप्लाई हो गया 4091. इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे. एक मैं आपको सिखा रही हूँ 4 डिजिट के साथ, 2996 मल्टीप्लाई बाय 37. सबसे पहले 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम लोग. 7 × 6 = 42, 7 × 9 = 63, 7 9 = 63 + 4 = 64, 65, 66, 67. So we will put 7 here and 6 as a carry. 7 9 = 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. So 9 we will put here and 6 as a carry. 7 2 = 14, 14 + 6 = 20. अब ये वाली कैरी हम लोगों को इरेज करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम जब दूसरा डिजिट का करेंगे ना तब प्रॉब्लम आएगी.
अब सेवन की जगह हम लोग रखना है जीरो, क्योंकि सेवन से मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है। अब थ्री से करेंगे, सिक्स थ्री जा एटीन, वन एज अ कैरी, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन प्लस वन ट्वेंटी एट, टू एज अ कैरी, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन, सो नाइन वी विल पुट हियर एंड टू एज अ कैरी, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस टू एट, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब इसका हम लोग एडिशन करेंगे, टू फिफ्टीन, टेन प्लस एट एटीन, नाइन प्लस वन टेन, एट प्लस टू टेन प्लस वन इलेवन, तो इस तरीके से हम लोग आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे जीरो रखा था, जहां जिसका मल्टीप्लाई हो जाता है जिससे उसकी जगह हम लोग जीरो रखते हैं, तो जीरो की जगह आप लोग क्रॉस भी लगा सकते हो, जैसे कि आपके यहाँ पे देखो बुक में दिया हुआ है, आप क्रॉस भी लगा सकते हो। तो आपको एक क्रॉस वाला सिखाती हूँ मैं, नंबर थ्री, एट थर्टी सेवन मल्टीप्लाई बाय एटी फाइव, आप जीरो लगाओ चाहे क्रॉस लगाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले फाइव से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, फाइव एट जा फोर्टी, फोर्टी प्लस वन फोर्टी वन। अब फाइव के साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, तो फाइव की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, क्रॉस, क्रॉस भी लगा सकते हो और जीरो भी लगा सकते हो। अब हम एट के साथ करेंगे, पहले वाले बोरो कैरी जो है वो इरेज कर देंगे, एट सेवन जा फिफ्टी सिक्स, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन, सो नाइन वी विल पुट हियर टू एज अ कैरी, एट एट जा सिक्सटी फोर प्लस टू सिक्सटी सिक्स। अब इसका हम लोग प्लस करेंगे, तो यहाँ पे फाइव का फाइव, एट प्लस सिक्स कितने हो गए फोर्टीन, नाइन प्लस वन टेन प्लस वन इलेवन, सिक्स प्लस फोर टेन प्लस वन इलेवन, सिक्स प्लस वन सेवन, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है उसके साथ आप इसका क्रॉस भी लगा सकते हो जिसका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुका है, या फिर इसकी जगह आप जीरो भी लगा सकते हो, क्रॉस लगाओ चाहे जीरो लगाओ बात एक ही है, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, सो इट्स योर चॉइस। तो यहां पे आप ये जो वन टू सेवन मल्टीप्लीकेशन है ये आप लोग नोटबुक में कंप्लीट करोगे एंड दिस इज योर होमवर्क।